हो गया? रिकॉर्डिंग हाँ हो गया। हाँ यस सर यस हुआ। ओके थैंक यू। तुम्हारे कॉलेज के मेरिट लिस्ट कब लगने आ रहे हैं? 3 वास्ता 3 घंटे 3 वास्ता आज 3 वास्ता है का? हाँ सर हो स्पॉटलाइट नहीं है वीडियो ओके किया किया मैंने। ओके। तो देखो हम वो देख रहे थे प्लांट के बारे में, स्टडी कर रहे थे हम प्लांट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक नंबर देना चाहता हूँ। जैसे वो प्रेजेंटी लेते हैं ना, तो प्रेजेंटी के लिए मैं आपको एक नंबर दूंगा यूनिक। वो जो नंबर होगा वो उससे आप एंट्री करना, तो वो सब 1 2 3 4 ऐसे नाम से आ जाएंगे एक के नीचे एक, है ना? वो भी कर लेंगे। क्योंकि क्या मैं ऑनलाइन ऐसा प्रेजेंटी ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटी भी ट्रैक करना है आपका। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं प्रेजेंट जो आपकी टेस्ट हुई है कल, कल जो टेस्ट हुई है आपकी, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे कल के टुमारोज लेक्चर, हम डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है, आज इंटरनेट नहीं था, नहीं तो फिर मैंने लैपटॉप पे डिस्कशन किया होगा उसका, मोबाइल पे एक्सेस किया है। सर क्लियर रहा गेस व्हाट, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है मुझे, कैन सर वो ड्री यू क्लियर हियर नहीं मी? दिख रहा प्रथम आवाज देते कर तुला, नहीं लाइव सर नहीं तुमचा होगा। ही है तो इफेक्ट तो ओके देखो YouTube लाइव नहीं होगा आज, लेकिन रिकॉर्डिंग जो होगा वो रिकॉर्डिंग मैं बाद में लाइव कर दूंगा। डोंट वरी, इन द इवनिंग आई विल ट्राई टू मेक इट लाइव, राइट? रिकॉर्डिंग लेके मैं उसे लाइव करूँ, ठीक है? ओके, मेरा आवाज आपको आ रहा है सबको? ठीक है, क्लियर है? देखो सबसे पहले मैं आपको नंबर्स दे देता हूँ आपके, तो मुझे एक 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 नाम बताना, मैं आपको आपके नंबर्स दे देता हूँ। कोई भी एक 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 पर्सन एक एक नाम बताओ। वेदांत अल्फाबेटिकली करता का करें अल्फाबेटिकली करायला कळणार नाही ना। हाँ मामी सगळे रोल नंबर्स काढतो ना म्हणजे ते अरेंजेस अल्फाबेटिकली होईल। सर तुमचे नंबर ऑलरेडी अल्फाबेटिकली आहेत का? नाही आम्ही आमचे बॅच वेगळे पण आम्ही पण आम्ही वेगवेगळ्या बॅच आहोत। आत्ता आम्ही रोल नंबर काढतो मग परत ते अल्फाबेटिकली अरेंज होईल पार्टिसिपेंट्स मध्ये मग ते इझी ओके चालेल जातील। चालेल, कसं करा कसं करा कसं करा, मग मला दिसायला चालू होईल। मी सर रोल नंबर सांगा, क्या करना है आपके जो रोल नंबर है ना आपने लिखे है वो निकाल दो अभी, और उससे एंट्री करो। विदाउट रोल नंबर से एंट्री करो प्लीज। इट इज फॉर बैच बी ऑल्सो, तुझे यस इट इज फॉर बैच बी, बैच ए बैच बी बोथ बैचेस एंड बैच नंबर 1 फॉर दिस लेक्चर इज देयर। तुझे व्हेन हैव यू जॉइंड, तू कभी ज्वाइन केले हो? तुझे बायोलॉजी कभी ज्वाइन केले बोलू शकतेस प्लीज?
चलो हम रैंडमली दे देंगे, वैसा कुछ नहीं है ये ऐसा ही देना चाहिए, हम डायरेक्टली दे देंगे नंबर्स, नो इश्यूज। तो नंबर तो निकाले सबसे ज्यादा, सबसे ए बी सी डी ई, बी भक्ति, ये नंबर से एंट्री करना एवरीडे। आई वांट टू भक्ति बाहर दे क्या सर? इस नंबर से एंट्री करना, ठीक है? जब आप करोगे, मैं अभी आपको नंबर देता हूँ, ठीक है? अभी आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा ना? नहीं। ओके। हाँ सर, पॉज हुआ है। हाँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। सर मैं जिन्होंने नंबर नहीं निकाला उनका नंबर निकाल दूं क्या? वो रीनेम का ऑप्शन है? नहीं नहीं, तू मत निकाल, रहने दे, मैं करता हूँ। जस्ट अ मिनट, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको बाद में भेजता हूँ ग्रुप पे आपके नंबर, चलेगा? ठीक है, अभी अभी देने से अच्छा मैं आपको बाद में ग्रुप पे इसके नंबर भेज देता हूँ। जस्ट अ मिनट, आई विल टेक ऑल दीज नेम्स, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और बाद में आपको इसके नंबर्स भेजता हूँ। सो दिस विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। सर जस्ट अ मिनट, चलो मैंने आपके सबके नाम ले लिए हैं और मैं क्या करूंगा, इसे इसका एडिट करके आपको इसके नंबर्स की एक लिंक भेज दूंगा, ठीक है? ग्रुप पे आज रात को भेज दूंगा। हाँ बोलो। ये बैच 6 निगड़ी के लिए लेक्चर है क्या? हाँ, बैच 6 निगड़ी के लिए भी है, ठीक है? सर तो फिर कभी 12:30 बजे होता है, कभी 2 बजे होता है, तो वो कंफ्यूज होता है टाइमिंग। तू एक ही बोली, तू भी बैच अटेंड करना, तू कब से लेक्चर अटेंड कर रही है? सबसे पहली बैच, ये फर्स्ट बैच? मतलब पहले से कर रही हूँ अटेंड मैं। नाम क्या तेरा? हेलो, ऋतुजा। ऋतुजा तू पहले पसंद अटेंड कर देगा लेक्चर? हाँ सर। अब पहले पसंद अटेंड करते थे या बैच मध्ये करता? एकच कोणती तरी बैच, तू सगळे लेक्चर्स अटेंड केले ना? लेसन नंबर फर्स्ट केला, लेसन नंबर सेकंड केला, आता लेसन नंबर थर्ड झाले, लेसन नंबर थर्ड जो संपेल हीच बॅच तू अटेंड कर। तू फक्त 2 बॅच अटेंड कर, अशा 3 बॅचेस आहेत आपल्याकडे सध्या। तर ज्या बॅचेस आहेत त्यांच्या सिलेबस नुसार आहे। सपोज बॅचेस नंबर जो 12:30 ची बॅच आहे, ती बॅच मागे, ती बॅच पुढे नाही आहे, तिचा आताशी 3 लेसन चालू झालाय। 12:30 ची बॅच तू अटेंड नको, ठीक आहे ना? कळतंय का? एक तर ती अटेंड कर, नाही तर ही पॅटर्न पॅटर्न बॅच ही आत्ताची जी बॅच आहे, ही बॅच नंबर फर्स्ट आहे। 2-3 जी बॅच आहे ना, ऐकून घ्या। दोन कन्फ्युजन काय करण्याचं कारण नाही, 2-3 ची बॅच ही बॅच नंबर फर्स्ट आहे, कारण सर्वात पहिली आधी चालू झाली, सर्वात आधी चालू झाली बॅच 2-3 ही बॅच, आत्ताची बॅच नंबर फर्स्ट। बॅच नंबर फर्स्ट मध्ये आता आपला 3 लेसन चालू आहे, ठीक आहे? हा संपेल आपला 3 लेसन बॅच नंबर फर्स्ट मध्ये। जी 12:30 बॅच आहे, लक्ष द्या सर्वांनी, 12:30 बॅच आहे, 12:30 ची, 12:30 to 1:30 ही जी बॅच आहे, ही बॅच नंबर 2 आहे। कोणती बॅच? ही बॅच नंबर 2 आहे, ठीक आहे? आणि आणि एक संध्याकाळी असते बा, बॅच नंबर 2 जो आहे त्याचे 2 लेसन कम्प्लीट झाले, 3 लेसन स्टार्ट झाला, 3 लेसन स्टार्ट झाला, ठीक आहे? इथे 3 लेसन संपत आला, एंड होत आला 3 लेसन। आणि एक संध्याकाळची बॅच आहे 7-8, 7-8 ची बॅच आहे, ती बॅच नंबर 3 आहे। आणि बॅच नंबर 3 मध्ये 2 लेसन चालू आहे, म्हणजे 2 लेसन स्टार्ट झाले या वेळेस, असं आहे सर्व, ठीक आहे? कळतंय का तुम्हाला हे सर्व काही? तुम्हाला आता ज्या लेक्चर लेसन तुम्ही मिस केलेले त्या लेसन प्रमाणे तुम्ही बॅच अटेंड करा आणि एक बॅच कोणती तरी कंटिन्यू, ठीक आहे? एक कोणती तरी बॅच तुम्ही कंटिन्यू ठेवायचं आहे। पुन्हा सांगाल का? म्हणजे दिसत नाहीये व्यवस्थित। 2-3 ची जी बॅच आहे ना, 2-3 जी आता तुम्ही अटेंड करताय, ही बॅच आहे बॅच नंबर फर्स्ट, बॅच नंबर फर्स्ट। इथे आपला 3 लेसन संपत आला, एंड होईल 3 लेसनचा,
ठीक है, आणि ही जी बॅच ना 12:30 जी असते, 12:30 ते 1:30 ती बॅच नंबर 2 आहे, त्याच्यामध्ये तिसरा लेसन स्टार्ट झालेला आणि ही जी बॅच आहे ना 7 ते 8 जी संध्याकाळी असते, ही बॅच नंबर 3 आहे, याच्यामध्ये दुसरा लेसन स्टार्ट झाला. बघते का, म्हणजे आपण या सर्व बॅच मध्ये पहिल्यापासून घेतलं, पहिल्या लेसन पासून घेतलं, या बॅच मध्ये पहिल्या लेसन पासून, या बॅच मध्ये आपण पहिल्या लेसन पासून, या बॅच मध्ये आपण सर्व कंटिन्यू करतो. ठीक आहे, पण तुम्ही जो लेसन आधी सपोज ही बॅच आधीपासून अटेंड करताय, त्याच्यामध्ये तिसरा लेसन कम्प्लीट झाला, ते एकच कोणतीतरी बॅच अटेंड करा. ठीक आहे, तुमचं जर काही पॉईंट मिस झाले असतील, तुम्हाला पुन्हा रिपीट करायचं असेल, 2-2 तास तुम्ही जर अटेंड करू शकत असाल तर एक कोणतीतरी बॅच अटेंड करा. ठीक आहे ना सर, मग आज 12:30 लिंक नाही आली. 12:30 लिंक टाकली होती ना, कोणती बॅच वर? बी वर, बॅच बी ला. 12:30 बॅच, 12:30 लिंक बॅच बी ला टाकलीच नाही ना, कारण बॅच बी चे विद्यार्थी आता हे जे आहेत ना, बॅच बी आणि बॅच नंबर 1 आणि बॅच ए, तर यांची लिंक जी असते यांना फक्त 2 लिंक टाकतो आपण सध्या. तुला जर पाहिजे असेल 12:30 लिंक तर तसं सांग, तुला मिळेल 12:30. म्हणजे लेसन नंबर 3 स्टार्ट झालाय ना आपला, तो अटेंड करायचा तुला. हा ओके, मग तू एक काम कर, तू मला संध्याकाळी मेसेज कर, मी तुला ना का त्या ग्रुप मध्ये ऍड करतो. कोणत्या ग्रुप? त्या ग्रुप मध्ये पण तुझा नंबर ऍड, बॅच ई बॅच सी त्याच्यामध्ये, म्हणजे 2 ठिकाणी तुझा नंबर राहील. ठीक आहे, ठीक आहे, आणि मग तू दोन्हीकडे पण बॅच अटेंड कर, तिथे लिंक नाही पडत ना, तुझा तुझा इश्यू नको, तुला तिथे मिळेल त्या लिंक. मेसेज कर संध्याकाळी, मी तुला त्यामध्ये ऍड करतो, बॅच सी किंवा बॅच डी. मग आता लीव करू ना सर, कारण इथे चॅप्टर संपला ना. तुला ही अटेंड कर, ती जर उद्यापासून रेग्युलर अटेंड केली तरी चालेल. ओके, कारण तिथे अलगी चालू झालाय, अलगीला अलगी वगैरे केला असेल ना अटेंड. हॅलो, अलगी वगैरे तू केला असेल ना अटेंड? हा सर, अलगी केलाय, म्हणजे त्याचं साईज आणि फॉर्म्स पर्यंत आहे माझ्याकडे लिहिलेलं. ओके ओके, ठीक आहे, मग उद्यापासून तू 12:30 बॅच नक्की अटेंड कर, आठवण येईल. ठीक आहे, चला. सर लाइव नहीं है यूट्यूब पर, थोड़ा डार्क लिखता होगा भाई, अच्छे से लिखता होगा. चलो थोड़ा सा डार्क लिखता हूँ, सही भाई. एंजियोस्पर्म्स जो हम देख रहे थे, एंजियोस्पर्म्स we were learning about the angiosperms. ye jo angiosperms hai na, angiosperms inhe bolte hain flowering plants, right? kya bolte hain aap ise? flowering plants. aur in flowering plants pe ovary bhi present hote hain, theek hai. तो अब ये जो ओवरी प्रेजेंट होती है, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ओवरी इज प्रेजेंट इनसाइड द गायनोइशियम, गायनोइशियम के अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है. ठीक है, फ्लावर में आप देखोगे ये पार्ट है, इसे बोलते हैं आप गायनोइशियम. इनसाइड द गायनोइशियम, द लोअर पार्ट ऑफ द गायनोइशियम इज द ओवरी. लोअर पार्ट है गायनोइशियम का, उसे क्या बोलते हैं आप? ओवरी. ओवरी के अंदर क्या ओव्यूल प्रेजेंट, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल. ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, ठीक है. ओव्यूल जो होता है, ये ओव्यूल कैसे दिखता है वो मैं अभी आपको बताऊं. चलो, तो अभी हमने देखा है एंजियोस्पर्म में, अभी तक हमने क्या देखा था कि एंजियोस्पर्म्स में हेलो सर लैग हो रहा है सर, आपका आवाज आवाज अड़कतो है. वीडियो इज लैग. हां सर, आवाज अड़कतो है, वीडियो लैग करना यार.
ओके तो अब तक हमने क्या देखा कि फ्लावर होता है एंजियोस्पर्म में, और ये जो फ्लावर होते हैं ना एंजियोस्पर्म में, इन फ्लावर में होता है एंड्रोइशियम और गाइनेशियम। एंड्रोइशियम में बनते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन फॉल्स ओवर द स्टिग्मा, स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन गिरते हैं उससे बनती है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो होती है वो एग को फर्टिलाइज करेगी। पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, और वो जो मेल गैमेट्स होती है होते हैं वो एग को फर्टिलाइज करेगी। ठीक है, अब देखेंगे एंजियोस्पर्म का इन डिटेल हम, ये ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल कैसे दिखता है। देखो वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं डिटेल में लेने वाला हूँ सब। ठीक है, अब देखो ये है स्टिग्मा, क्या है ये ऊपर स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और उसके नीचे आप देख रहे हो यह स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट। अब ये जो ओव्यूल है ना कैसे दिखता है, ओव्यूल बोलता हूं, ये जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का, दिस ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल आपको दिखाई देता है इसे आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम। ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसे ही आप क्या बोलोगे, ओव्यूल, इसे ही आप बोलोगे ओव्यूल। ठीक है, अब इसके बारे में जितना समझता है उतना समझ। इस ओव्यूल का सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ओव्यूल का। ठीक है, बहुत ब्लर है और जूम नहीं हो सकता इसका, क्या जूम करेंगे इसे। सर आगे शिफ्ट हो सकता है क्या, क्योंकि बिल्कुल नहीं दिख रहा। सर समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या लिख रहे हो अभी, बहुत डार्क लिखा है, नहीं दे रहा आपका क्लियरली, मतलब थोड़ा सा बेटर है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा सर, अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा दिखाई दे रहा, थोड़ा दिखाई दे रहा है, रीडेबल है सर। मैं लैपटॉप पे कर लूं क्या, स्क्रीन पे, लैपटॉप के स्क्रीन पे लेंगे। ओके सर चलेगा, लैपटॉप के स्क्रीन पे ट्राई करता हूँ एक बार, जस्ट अ मिनट। ये मुझे होस्ट बनाओ सागर शाह ने। सर हो गया ना होस्ट? हाँ हो गया, हो गया।
साउंड आ रहा है क्लियर? हाँ सर आ रहा है, साउंड है क्लियर। जस्ट अ मिनट। ऑप्शन नहीं आज, स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके एवरीवन कैन सी दिस? ओके so we were learning about the angiosperms और हमने देखा कि angiosperms are the flowering plants। क्या देखा हमने? These are the flowering plants, ये होते हैं flowering plants। angiosperm तो flowering plant है, और आपको पता है कि flowers में दो part होते हैं, one is androecium, एंड्रोइशियम को आप बोलते हो स्टैमेंस, राइट? और दूसरा पार्ट जो गाइनोइशियम होता है उसे आप बोलते हो कार्पेल्स, ठीक है? कार्पेल्स को और एक नाम है, इसे बोलते हो आप पिस्टिल। ओके प्लीज रिमेम्बर, कार्पेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पिस्टिल, कार्पेल यानी गाइनोइशियम, ठीक है? अब ये जो गाइनोइशियम होता है, देखो इधर प्लीज पे अटेंशन, जो गाइनोइशियम होता है ये आपको ऐसा दिखेगा, सो दिस इज अ गाइनोइशियम, ठीक है? गाइनोइशियम है, गाइनोइशियम में तीन पार्ट आपको दिखते हैं, ये क्या है? स्टिग्मा, स्टिग्मा ये है स्टाइल, और यह है ओवरी, ठीक है? दिख रहा है आपको सब क्लियर? आवाज आ रहा है क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो ओवरी होते हैं, ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, राइट? इनसाइड द ओवरी द ओव्यूल इज प्रेजेंट, इसके अंदर यहां पर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओके? सो ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, एंड द ओव्यूल प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म is called as an anatropous ovule। Angiosperm के अंदर जो ovule present होता है इसे बोलते हो आप anatropous ovule। तो ये anatropous ovule क्या होता है वो अब हम देखेंगे। आपको पता है कि ये जो stigma है, stigma, style और ovary, ये जो तीन part है, इसे आप बोलते हो gynoecium, right? और इस gynoecium को attach होता है, क्या attach होता है इस gynoecium को? यहाँ पे गाइनोइशियम के नीचे से आता है यहाँ पे एंड्रोइशियम, और एंड्रोइशियम के पास क्या होगा? एंथर, राइट? एंथर ऐसे होते हैं, तो एंथर में बनेंगे ये पोलन ग्रेन, और ये पोलन ग्रेन गिरते हैं स्टिग्मा पर। हमने देखा था कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ओवर द स्टिग्मा, सपोज ये पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा पर जर्मिनेट होगा, स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इससे बनती है पोलन ट्यूब, राइट? और ये जो पोलन ट्यूब है ये फर्टिलाइज करती है ओव्यूल को, राइट? सो इनसाइड the ovary, the ovule is present। Suppose इसके अंदर ये वाला है ovary, ovary के अंदर है ये ovule, तो ovule जो होता है उस ovule को बोलते हैं megasporangium, ovule के अंदर होता है एक present, ठीक है? तो इस ovule को fertilize कौन करता है? इस ovule को fertilize करता है pollen tube के अंदर present है male gametes, right? So male gametophyte or the male gametes are present or male nucleus are present inside the pollen tube, और ये male nucleus जो होते हैं ये इस ओव्यूल को फर्टिलाइज करता है, ऐसा हमने देखा था। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड टू द सीड, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, हमने ये देखा था ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। तो अब हम देखेंगे जरा सा डिटेल में ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग भी है। अब ये जो है ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, अब इस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसे? एनाट्रोपस ओव्यूल। द ओव्यूल दैट इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड एनाट्रोपस ओव्यूल। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। सो दिस इज एन एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है? अब ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। देखो मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करता हूँ, तो ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल, कैसे दिखता है मैं दिखाता हूं आपको।
सर हाँ बोलो सर ऐसे का नोट्स मध्ये लिहायचं आहे का तुम्ही देणार आहात आधी मी एक्सप्लेन करतो व सांगतो काय लिहायचं डोंट वरी ओके सर आता यातला काही पॉइंट है ते तुम्हाला आता लगेच तुमच्या बुक मध्ये नाहीये काही पॉइंट याचा 12वी मध्ये पण मी आपण आता एक्सप्लेन करतोय तुम्हाला कारण हे एक्सप्लेन केलं तरच तुम्हाला जे तुमच्या बुक मध्ये दिलंय त्याचा अर्थ कळेल तो ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने निकाला है ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज द ओव्यूल व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी इस ओवरी के अंदर देखो ये ओव्यूल लिखा है ना अभी ऐसा इमेजिन करो ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल वाला ये वाला ओव्यूल है ना ये दिस इज द ओव्यूल ये स्ट्रक्चर मैंने निकाला है इसका ओव्यूल निकालता है ये ओव्यूल जो है इसे बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों बोलते हैं इसे एनाट्रोपस ओव्यूल प्लीज पे अटेंशन दिस इज कॉल्ड एज एन एनाट्रोपस ओव्यूल बिकॉज This ovule has opening here. इस ovule की opening नीचे से है देखो ये नीचे से opening है इस ovule की ठीक है और ये जो part है ovule का देखो ovule का ये जो part है इसे बोलते हैं stalk या फिर इसे बोलते हैं funiculus. Funiculus बहुत important है देखो funiculus. So this is the funiculus. Funiculus is called as the stalk of the ovule. इसे आप बोलोगे stalk of the ovule. So this part of the ovule ये जो part है ना This is attached to the ovary wall. ये ovary की wall है ना? ये देखो ये ovary की wall है. इस ovary के wall को ovary का ovule का ये part attached होता है. So this is ovule which is attached to this. तो ये ऐसा ovule होगा इसे. ये ovule ऐसा होगा. पर इस ovule का ये part देखो ये part ये stalk वाला part. This funiculus. This is a funiculus. और ये funiculus का ये जो part है ना? ये part यहाँ पर attached है. Right? ये this is a part that is attached to the ovary wall. समझ रहा है क्या? और ये ओवरी वॉल को अटैच पार्ट है ना ये ओवरी को अटैच सो दिस ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ओवरी ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर होता है इसका मतलब ये है कि ये ओवरी के वॉल को अटैच होता है और ओवरी के वॉल से देखो ये ओवरी के वॉल से न्यूट्रिशन लेता है और इस पार्ट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर निकाला दिस ओव्यूल इज अटैच टू द वॉल ऑफ द ओवरी तो कैसे अटैच्ड है It is attached with this part. इस part को आप बोलते हो funiculus. So funiculus is the part. That part is attached with the ovary wall. किससे attached है ये? Ovary wall से attached. ठीक है? So this is a funiculus. अब देखो, इस funiculus ये funiculus आगे गया है और यहाँ पे देखो, ये वाला आपको structure दिख रहा है. मेरा arrow घूम रहा है देखो. ये arrow जहाँ पे घूम रहा है ये वाला part. तो इस part को आप बोलते हो body of the ovule. ये part क्या है? Body of the ovule. देखो, just a minute. I will try to draw it. ये जो पार्ट है इसे बोलोगे आप बॉडी ऑफ द ओव्यूल ये वाला पार्ट जो है ये पूरा पार्ट ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल है ठीक है अब इस बॉडी को इस फनिकुलस अटैच्ड तो ये पॉइंट पे अटैच्ड राइट सो बॉडी को ये फनिकुलस अटैच हुआ है इस पॉइंट में ठीक है इस पॉइंट में अटैच हुआ है और अब देखो ये बॉडी जो है ना ओव्यूल की दिस बॉडी इट हैज दिस वन एंड यहाँ पे एक एंड है और यहाँ पे एक एंड है दो एंड है इस बॉडी को आर यू गेटिंग इस बॉडी को आपको दो एंड दिखाई दे रहे हैं फनिकुलस देखो ये ओव्यूल है ओव्यूल के बॉडी को दो एंड आपको दिखाई दे रहे हैं दो एंड है एक ऊपर वाला एंड जो जहाँ पे मैंने एरो निकाला है इससे बोलते हैं चलाजल एंड सब समझ में आएगा आपको थोड़ा एंड ध्यान दीजिए चलाजल एंड ये है चलाजल एंड या फिर इसे बोलते हैं चलाजा क्या बोलेंगे इसे चलाजा और चलाजल एंड और ये जो एंड है ना इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड या फिर इसे सिंपली आप बोलोगे माइक्रोपाइल तो ओव्यूल को दो एंड आपको दिखाई देते हैं एक है चलाजल एंड ऊपर और ये जो नीचे वाला ये माइक्रोपाइलर एंड ठीक है चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के बीच में देखो ये वाला है ये है एक्चुअल पार्ट ये है एक्चुअल पार्ट इस एक्चुअल पार्ट को बोलते हैं न्यूसेलस इसे आप बोलोगे न्यूसेलस देखो मेरे साथ में बोलना ये ऊपर वाला एंड कौन सा है चलाजल एंड ये नीचे वाला पार्ट कौन सा है माइक्रोपाइलर एंड ठीक है अब ये माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड के बीच में देखो ये वाला जो हमने निकाला है जिसे मैंने ग्रीन कलर में नोट डाउन कर रहा हूँ देखो ग्रीन कलर में मैं इसे अलग से दिखा रहा हूँ ये वाला पार्ट है ना इसके अंदर वाला पार्ट इसे पूरा आप बोलोगे न्यूसेलस समझ रहा है क्या ये समझते है तुम्हारा हाँ पार्ट कौन सा है न्यूसेलस ये न्यूसेलस ठीक है अब इस न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं इस न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे सेल्स न्यूसेलस के अंदर जो सेल्स है प्लीज पे अटेंशन
इस न्यू सेल्स के अंदर जो सेल्स है, देखो मैं इस न्यू सेल्स के अंदर सेल्स निकाल रहा हूं है ना, अब इसमें आपको सेल दिखाई दे रहा है, ये है सेल्स न्यू सेल्स के अंदर, ऐसे बहुत सारे सेल्स है न्यू सेल्स के अंदर, सेल्स न्यू सेल्स भरा हुआ है सेल्स। ओके देखो अभी ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर हमने निकाला है ये है एनाट्रोपस ओविल का स्ट्रक्चर, इस एनाट्रोपस ओविल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये न्यू सेल्स, ठीक है, न्यू सेल्स के अंदर बहुत सारे आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब सेल्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स, क्या होते हैं ये डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, ये हर एक सेल डिप्लॉइड है, इसमें की हर एक सेल कैसी है डिप्लॉइड है, क्योंकि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर ये आई है, तो हर एक सेल डिप्लॉइड है, और इस डिप्लॉइड सेल को बोलते हैं इन डिप्लॉइड सेल्स, ये जो डिप्लॉइड सेल्स है ये सब डिप्लॉइड सेल्स, अब इन डिप्लॉइड सेल्स को बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, क्या बोलते हैं आप इन डिप्लॉइड सेल्स को मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है, इतना याद रखो, इस न्यू सेल्स की हर एक सेल डिप्लॉइड है और इन्हें बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है, क्या बोलोगे आप इसे मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, देखो ओव्यूल को क्या बोलते हो आप, सुनो मेरी बात, ओव्यूल को आप क्या बोलते हो, ओव्यूल को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल कहां पर प्रेजेंट होता है, प्लीज गिव मी द आंसर, वेयर इज ओव्यूल, लोकेशन ऑफ ओव्यूल बोलो, मेगास्पोरम, ओव्यूल कहां पर होता है, ओवरी में, हाँ ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, अब ओवरी के वॉल जो होती है, ओवरी की वॉल, देखो ओवरी की जो वॉल होती है उस ओवरी के वॉल को ये ओव्यूल अटैच होता है, किस पार्ट से अटैच होता है, कौन से पार्ट से अटैच होता है, कौन से पार्ट से अटैच होता है, फनिकुलर, गेटिंग, फनिकुलस से ओवरी के वॉल को ये एनाट्रोपस ओव्यूल अटैच होता है, ठीक है, एनाट्रोपस क्यों बोलते हैं इसे, इसे एनाट्रोपस बोलते हैं क्योंकि इसका ओपनिंग, अभी ओपनिंग कहाँ दिखाई दे रहा है, ओपनिंग ए इस रीजन में दिखाई दे रहा है, ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द लोअर साइड, और उस ओपनिंग को क्या बोलते हो आप, माइक्रोपाइल, सो माइक्रोपाइलर ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड एंड चलाजल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द अपर साइड, तो ये जो चला एक ही ओपनिंग है इसके बॉडी को, एक्चुअल सच्ची में एक ही ओपनिंग आपको इसके बॉडी में दिखाई दे रहा है, लोअर साइड से ओपनिंग है, करके इसे बोलते हैं एनाट्रोपस, इसे क्या बोलोगे आप, एनाट्रोपस ओविल, एनाट्रोपस ओविल इज हैविंग द ओपनिंग एट द लोअर साइड, इस ओविल की ओपनिंग लोअर साइड में, ठीक है, अब इस ओविल के अंदर आपको न्यू सेल्स दिखाई देता है, न्यू सेल्स क्या है, न्यू सेल्स के अंदर बहुत सारे सेल्स है जो सेल्स सब डिप्लॉयड है, तो इन सब सेल्स को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, क्या बोलते हो आप इसे, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर न्यू सेल्स है और न्यू सेल्स के ऊपर आपको दो कवरिंग दिखाई देते हैं, देखो क्या है वो दो कवरिंग, आई एम शोइंग यू इट अगेन, देखो ये दो कवरिंग है उस ओव्यूल के अंदर, न्यू सेल्स के ऊपर, न्यू सेल्स के ऊपर आपको दो कवरिंग दिखाई दे, ये वाला कवरिंग है क्या, ये वाला कवरिंग, ये एक कवर और ये दूसरा है ना, यहाँ पे भी देखो ये वाला एक कवर, गेटिंग, और ये दूसरा, ऐसे दो कवरिंग आपको इसके ऊपर दिखाई दे, ये जो दो कवरिंग है दीज आर कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स, क्या बोलोगे आप इन कवरिंग को, इंटेग्यूमेंट्स, दोनों टाइप के जो कवरिंग है ऐसे बोलोगे आप इंटेग्यूमेंट्स, तो ये इनर वाला है कवरिंग, तो इसे आप बोलोगे इनर इंटेग्यूमेंट, देखो ये इनर कवरिंग है, इसे बोलते हैं इनर कवरिंग यानी इनर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, और ये आउटर कवरिंग जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलोगे आप आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, सो दो कवरिंग है इसके ऊपर, एक है इनर इंटेग्यूमेंट और दूसरा है आउटर इंटेग्यूमेंट, आई होप यू आर गेटिंग, इसके ऊपर दो कवरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ रहा है क्या आपको, तो देखो न्यू सेल्स है, न्यू सेल्स के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स है, इन डिप्लॉइड सेल्स को आप बोलते हो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर के नीचे वाले लेयर में माइक्रोपाइल का ओपनिंग है, ऊपर वाले लेयर में चलाजा का ओपनिंग है,
म्यूसेलस के ऊपर दो कवरिंग है, एक है इनर इंटेगुमेंट और दूसरा है आउटर इंटेगुमेंट। अब सुनो, ये जो इनर और आउटर इंटेगुमेंट है ना, इससे ही सीड का कवरिंग बनता है। क्या बनता है? इससे सीड का कवरिंग बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कवरिंग इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट। कभी भी आप सीड देखो, आप सीड देखोगे तो सीड के ऊपर सबसे हार्ड कवरिंग होगा, वो जो सबसे हार्ड कवरिंग है ना सीड के ऊपर वाला, वो बनता है आउटर इंटेगुमेंट से। वो अगर हार्ड कवरिंग आप निकालोगे तो उसके अंदर आपको एक सॉफ्ट व्हाइट कलर का लेयर दिखाई देता है। दैट सॉफ्ट व्हाइट कलर लेयर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द इनर इंटेगुमेंट। तो सीड के ऊपर जो दो कवरिंग होते हैं वो कवरिंग इस ओव्यूल से ही बनते हैं। तो ये है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपको न्यूसेल दिखाई देता है, न्यूसेलस के ऊपर आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट से एक सॉफ्ट कवरिंग बनता है, उसके ऊपर जो इनर इंटेगुमेंट दिखाई देता है, इनर इंटेगुमेंट से आपको सॉफ्ट कवरिंग बनता है, और सबसे बाहर वाला जो कवर है उसे बोलते हैं आप आउटर इंटेगुमेंट, उससे बनता है हार्ड कवर ऑफ द सीड। तो देखो ये समझ में आया आपको, आउटर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, इनर इंटेगुमेंट फॉर्म्स द सॉफ्ट कवरिंग ऑफ द सीड। तो ये ओव्यूल का ही कन्वर्जन सीड में होता है ना, है ना, ओव्यूल का ही कन्वर्जन सीड में होता है। इसके वजह से क्या होगा कि जो आउटर इंटेगुमेंट है दैट कवर्स इनटू द हार्ड कवर ऑफ द सीड। इतना अभी आप याद रखो, क्लियर है अभी तक? याद है यहां तक आपको? क्लियर है क्या सर? बोलो सर। बोला हाँ सर। ते न्यूसेलस कुठे दाखवाना एकदा परत? न्यूसेलस म्हणजे काय बघ, आता हिरव्या रंगाचा कलर दाखवलाय मी तुला, हा हिरव्या कलरचा, एक मिनिट। हो सर, ते कवरिंग ना दिसतंय, हिरवा कलर दिसतोय का तुला? हा हो सर। ओके, या हिरव्या कलरच्या आतमध्ये जेवढ्या सेल्स आहेत आणि हा पूर्ण हे सर्व याला न्यूसेलस बोलतो, हे पूर्ण जे आहे याला न्यूसेलस बोलतात। न्यूसेलसच्या आतमधल्या सेल यांना काय बोलायचं? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, प्रॉपर कळलं? आणि या मेगास्पोरेंजियमच्या प्रॉपरच्या आतमध्ये जेवढ्या सेल्स आहेत सगळ्या कशा आहेत? डिप्लॉइड। सगळ्या कशा आहेत? डिप्लॉइड, कळलं? माइक्रोपाइलर, डोंट फॉरगेट दिस। ये दो ओपनिंग है, ठीक है, दो कवरिंग है। ओके, अब हम देखेंगे, देखो ये जो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर है, प्लीज पे अटेंशन, ये मेगास्पोरेंजियम जो प्रॉपर है, जिसे आप मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बोलते हो, इनसाइड दिस मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बहुत सारे सेल्स है। ये सब सेल्स कैसे? सब सेल्स कैसे? डिप्लॉइड, ठीक है। अब इस ये बहुत सारे डिप्लॉइड सेल है, लेकिन इसमें से एकादी, मुझे अच्छा मतलब एकादी सेल, इसमें से कोई तो भी एक सेल, ये जो इसमें से कोई तो भी एक सेल, देखो इसमें बहुत सारे सेल्स है, सब सेल्स डिप्लॉइड है, इसमें से कोई तो भी एक सेल, सिंगल सेल, विल out of these many cells any one cell will act as the megaspore mother cell. to dekho is isme bahut sare diploid cell hai, is diploid cell mein se koi to bhi ek cell, single cell will act, will undergo the meiosis. is ye jo bahut sare cells hai megasporangium proper mein, iske andar koi bhi, abhi dekho ye hari wali cell maine dikhai, suppose ye jo cell hai it will undergo the meiosis. to ye jo cell hai ise bolte hain megaspore mother cell. kya bolte hain ise? मेगास्पोर मदर सेल। इसका मीनिंग क्या है समझ लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक आपको सब समझा है, आपको न्यूसेलस का स्ट्रक्चर दिखाया है, न्यूसेलस को फनिकुलस होता है जिसे आप स्टाक बोलते हो, स्टाक जो है वो बॉडी को कनेक्ट होता है, जो बॉडी है उस बॉडी को आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, यानी आउटर कवरिंग इनर कवरिंग है, उसके अंदर न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स है, ठीक है। अब ये जो न्यूसेलस है इसका ऊपर वाला जो पार्ट है उसे बोलते हैं चलाजलेंट, और नीचे वाला पार्ट जो होते हैं माइक्रोपाइलर, ओपनिंग आपको दिखाई दी। अब मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में सब सेल्स डिप्लॉइड है, लेकिन इसमें से एक कोई तो भी सेल, नॉट ऑल, कोई तो भी एक सेल, सिंगल सेल, कोई तो भी सिंगल सेल, उसका होने वाला है मियोसिस, ठीक है। जो जिस सेल का मियोसिस होगा वो सेल भी स्टार्टिंग में कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। स्टार्टिंग में कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। तो इस सेल को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या क्या बोलते हैं इस सेल को? मेगास्पोर मदर सेल। तो देखो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर स्टार्टिंग में आपको ऐसे दिखेगी, इस पे अटेंशन, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेगास्पोर मदर सेल इसके अंदर है, इसके अंदर, इस न्यूसेलस के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल है। स्टार्टिंग में ये मेगास्पोर मदर सेल आपको ऐसी दिखेगी। इस मेगास्पोर मदर सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस कैसे होगा? प्लीज टेल मी, हाउ इज द न्यूक्लियस?
दिया एंड ऑल अदर्स. प्रथम हाउ इज द न्यूक्लियस, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? स्टार्टिंग में कैसे होगा? डिप्लॉइड. ईशा स्टार्टिंग में डिप्लॉइड. वेरी गुड, स्टार्टिंग में डिप्लॉइड होगा. यस मधुरा बरोबर का. मिताली स्टार्टिंग मध्ये कसं असणार ते? प्रणव डिप्लॉइड असणार. ठीक आहे. तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि ये जो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, सब सेल्स डिप्लॉइड है. इसमें से कोई तो भी एक सेल, कोई तो भी सिंगल सेल है वो उसमें मियोसिस होगा. सो दिस सिंगल सेल विल अंडरगो द मियोसिस. कैसे मियोसिस होगा? तो ये है डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. इसे हम बोलते हैं एम, देखो क्या बोलते हैं एम एम सी. क्या है ये? एक डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल. इसका लोकेशन कहां पर है? दिस डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज लोकेटेड इन द दिस इट इज लोकेटेड इन द मेगास्पोरेंजियम प्रॉप. मेगास्पोरेंजियम प्रॉप में इसका लोकेशन है. तो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस. क्या होने वाला है इसमें? मियोसिस होने वाला है. तो मियोसिस होने से पहले इसका कंटेंट जो क्या है, मेगास्पोर मदर सेल इज 2n. कैसी होती है वो? 2n होती है. ठीक है. तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसका मियोसिस होगा. क्या होगा इसका? मियोसिस होगा. मियोसिस होगा तो एक सेल से कितने सेल बनते रहे बोलो? मियोसिस मध्ये किती सेल बनणार एका सेल पासून पूर्ण मियोसिस झाल्यावर? फोर डॉटर सेल्स एट द एंड. यस व्हेरी गुड, फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलेंगे. 1, 2, 3 और 4. अरे मान्य का तुम्हाला सर्वांना शिकवलंय तुम्हाला खूप वेळेस. हो सर. यस ओके. सिंगल सेल विल डिवाइड. ये जो सिंगल सेल है मेगास्पोर मदर सेल, इसका हुआ मियोसिस. मियोसिस होने के बाद कितने सेल मिलेंगे? 1, 2, 3, 4. 4 डॉटर सेल्स यू विल गेट. ठीक है. कितनी सेल बनती रहे? 4 सेल बनती. ठीक है. 4 सेल पैकी अभी देखो इसमें क्या होता है. इन केस ऑफ फीमेल, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, एक ही कोई तो भी सेल है इस मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में, इस सेल के अंदर हुआ मियोसिस. और इस सेल को आप क्या बोलोगे? मदर सेल. क्यों मदर सेल बोलोगे इसे? क्योंकि इससे बनने वाला है मेगास्पोर. क्या बनने वाला है इससे? मेगास्पोर. तो देखो आपने देखा ओव्यूल है, प्लीज पे अटेंशन, आपने देखा ओव्यूल है, ये ओव्यूल, ये न्यू सेल है. ठीक है, समझो अभी ये न्यू सेल है. न्यू सेल के ऊपर ये है इंटेग्यूमेंट्स. अगेन प्लीज पे अटेंशन, ये इंटेग्यूमेंट्स. ठीक है, अब ये इंटेग्यूमेंट्स हम इसे ज्वाइन करके दिखाएंगे. ये बना आपका ओव्यूल. ठीक है, ओविल बना. इसके अंदर यहाँ पे एक सिंगल सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल. इस मेगास्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस. मियोसिस होगा तो कितने बनेंगे? 1, 2, 3 और 4. ऐसे 4 सेल बनेंगे. इसमें 4 सेल बनेंगे ना, तो इसमें से ऊपर वाले 3 जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाता है. इनका तीनों का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन. आर यू गेटिंग? अरे समझ रहा है? देखो 4 सेल है, 4 में से 3 सेल नष्ट होती. 4 सेल बन गया है या 4 की 3 सेल नष्ट होता. So in this way, the 4 cells are produced here. So out of these 4 cells, please pay attention, out of these 4 cells, just a minute. Out of these 4 cells, there were 4 cells bane. Kaise bane? N, 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 N. 4 cells bane. इस 4 में से 3 जो है, ऊपर वाले 3 जो है, इनका ब्रेक डाउन होने वाला है. 3 मर गए, 3 सेल्स डीजनरेट हो जाते, मर जाते हैं. इसका मतलब है दे गेट डीजनरेटेड. सो आउट ऑफ द 4 सेल्स 3 सेल्स गेट डीजनरेटेड. 4 में से 3 डीजनरेट. ठीक है, 4 में से 3 डीजनरेट हो गए, तो बाकी कितने हैं? अभी एक ही सेल बाकी है. राइट, एंड दिस सेल इज हैप्लॉइड सेल. कैसी सेल है ये? हैप्लॉइड सेल. नाउ दिस हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल मेगास्पोर सेल. इस सेल को आप बोलोगे क्या? बोलोगे आप इसे फंक्शनल मेगास्पोर सेल. इसे आप बोलोगे फंक्शनल. आप बोलो सर. डीजनरेट होता है? डीजनरेट होता है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन होता है इसमें. ये एक प्रोसेस है इसमें, क्योंकि जो मेल गैमेट है वो एक ही बचना चाहिए लास्ट में करके, इसमें ये प्रोसेस होता है. ठीक है, अभी इतना समझ लो ये प्रोसेस है. इस प्रोसेस में जो 4 सेल बनते हैं, उस 4 सेल में से 3 सेल का होने वाला है ब्रेकडाउन. ठीक है, कितने सेल बचे? फिर एक ही सेल बची. तो ये सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी. आर यू गेटिंग? सो दिस मेगास्पोर मदर सेल जो इस न्यूक्लियस के अंदर है, इसमें होने वाला है मियोसिस. मियोसिस होके बनेंगे 4 सेल्स. 4 में से 3 जो है उनका डीजनरेशन होने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है, और एक ही सेल बाकी होगी. जो एक सेल बाकी होगी, सिंगल सेल बाकी होगी, उसे बोलते हैं मेगास्पोर
फंक्शनल मेगास्पोर, तो आप देखो इसके अंदर आपको दिख रही है, यह है फंक्शनल मेगास्पोर। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर, सब कुछ क्लियर है? सर एक बार शॉर्ट में स्टार्टिंग से बोल दिया, काय बोलायचं तुला? बोल ना, कोणाला काय डाउट असेल तर बोला ना, काय त्याच्यात तेवढं? सर भक्ति। देखो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, क्या क्या बताया मैंने आपको, प्लीज पे अटेंशन। एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट, इनमें होता है ओवरी, गायनेशियम में होता है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल जो होता है वो कौन से टाइप का है, और कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल है, ओव्यूल को और एक नाम है, क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या है? फ्यूनिकुलस या फिर जिसे बोलते हैं, ये है बॉडी, ठीक है। बॉडी जो है, इस बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है ये आउटर इंटेग्यूमेंट, ये इनर इंटेग्यूमेंट, ये भी आउटर, ये इनर, और ये क्या है? न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड सेल है, क्या बोलोगे आप उसे? मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट है, इसे क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल, ठीक है। क्या बोलोगे? माइक्रोपाइल, ठीक है। अब इस मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर में से कोई भी एक सेल, कोई भी सिंगल सेल, कोई भी सिंगल सेल, उसमें होगा मियोसिस। सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड, उसे क्या बोलोगे? मेगास्पोर मदर सेल। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? MMC, ठीक है। ये मेगास्पोर मदर सेल जो होगी, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस होगा तो कितने सेल बनेंगे? चार। चार में से तीन क्या होंगे? डीजनरेट, डीजनरेट होंगे, और एक सेल बाकी रहेगी जिसे आप क्या बोलते हो? फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। अभी तक इतना लिख लो आप, चलो लिख लो सब। सर ये लिखा क्या आपने? ये लिखो, बोलो सर। अजून हे सगळं फर्टिलायझेशनच्या आधीचे स्टेजेस आहेत ना, म्हणजे मेन फर्टिलायझेशन होण्याच्या आधी सर परत सांगाल का? तुमचा आवाज लॅग झालेला ना, मला कळालंच नाही काय बोलला। हा, बिफोर फर्टिलायझेशन जो चेंजेस होते हैं, ये सब वो चेंजेस है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, यू प्लीज राइट दिस, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। आज आप लिख लो इतना, आज बस सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज कंप्लीट दिस डायग्राम, दिखा ना ये देखो, ये पूरी डायग्राम ड्रॉ करो आप प्लीज। ये लिखा है क्या आपने? सबसे पहले बताओ, अब ये देखो, ड्रॉ कर लो। Draw this. मीटिंग हो गया था क्लास? यस, बोलो क्या?
तो क्लास हो गया क्या? क्योंकि आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये लिख लो आप। अच्छा ओके 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 हाँ हाँ यस ये पूरा लिख लो जो आज डिटेल हुआ है ना, ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर। सर बोलो सर, ते स्पोर मदर सेल से दाखवाना। हाँ एक मिनट दाखो। ठीक है यहाँ पे आपने लिखा है दिस इज अ मेगा स्पोर मदर सेल। यस हेमांगी आई विल सेंड यू राइट अथर गोसावी, इसके पहले वगैरह भी लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है वो तो है अवेलेबल है ऑलरेडी यूट्यूब पर, अथर यूट्यूब मैट्रिक्स ऑनलाइन थ्री लते अवेलेबल है सर। ठीक है ये लिख लो, ये क्या है मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल यहाँ पे दिखाई हमने, और इस मेगा स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद चार सेल्स बनते हैं, आउट ऑफ फोर सेल्स थ्री सेल्स गेट डी जनरेटेड। आपको लिखना है तो लिख दो, थ्री सेल्स गेट डी जनरेटेड, डी जनरेट का मतलब ब्रेक डाउन, और एक ही सेल बाकी होती है। इस जो रिमेनिंग सेल है इसे आप बोलते हो फंक्शनल मेगा स्पोर सेल, जो रिमेनिंग सेल है उसे आप बोलते हो फंक्शनल मेगा स्पोर सेल, फंक्शनल मेगा स्पोर सेल। सर हाँ बोलो, ये देखो ये सब मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर बोलते हो, इसमें बहुत सारे है इसमें, लेकिन उसमें से एक ही कोई तो भी एक ही कोई सेल का मियोसिस होने वाला है, सबका नहीं होता मियोसिस। गेटिंग means all the cells cannot undergo the meiosis, only one cell undergo the meiosis. Bolo. Okay. Only one cell undergoes the meiosis. Nahi sir, has doubt. Sir, tya megaspore ka embryo sac banta ka? Pude? Ha, yes, yacha pasun banna re embryo sac. Te udyacha lecture mode mi tumhala shikve. Sir, yacha pasun embryo sac banta. Bolo. सर आणि ज्या एकाचच मियोसिस होतं ती एकच डिप्लॉइड असते का? नाही नाही सगळ्या डिप्लॉइड, पण एखाद्या कोणत्या तरी सेल मध्ये मियोसिस होईल, म्हणून तर तिला मेगास्पोर मदर म्हटलंय ना, जिच्यापासून मेगास्पोर बनतं तिला म्हटलं मेगास्पोर मदर। कळलं का? ओके मदर का म्हटलं तिला, कारण तिच्यापासून चार सेल बनणार, चार पैकी तीन नष्ट होणार, एकच राहणार। येस झाकिया यू कॅन लीव। आज शाम को मैं आपको पॉसिबल हुआ तो आपके नंबर्स भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, एक लिस्ट बना के, एंड प्लीज फॉलो दोज लिस्ट फ्रॉम टुमारो, कल से आप वो लिस्ट फॉलो करो। यस हेमांगी आई विल सेंड यू, डोंट वरी। चलो लिखा आपने सबने, इफ यू हैव रिटन यू कैन लीव। ओके अश्लेषा बाय। आविष्कार प्रणव समझ ले क्या थोड़ा फास? रिया हो सर। ओके
ओके चलो प्रथम तुझे समझ में आया क्या प्रथम आज प्रथम समझ लगा क्या तुला प्रथम कौशिक प्रथम कौशिक सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दू हाँ यस ऑफ कर दो आई एम लीविंग वी विल ऑल लीव दिस